India has strongly rejected remarks by the Organization of Islamic Cooperation. तो वो दिखा रहे हैं भारत को आके और वो भी मोदी के भारत को पलट कर जो जवाब दिया है वो जानने लायक कहते जी आप एक कदम आगे आएंगे हम दस कदम आगे जाएंगे जाएं तो सही चेस तो करें उनको भाई आपके सामने बैठे हैं बॉर्डर के दूसरी साइड पे ताकत हिम्मत करें ना जाएं वहां बातें सारा दिन जितनी मर्जी करा लो इनको ये गौरी है ये फलाम मिसाइल है ये फलाम किसके लिए रखे हैं यार आप देखने के लिए रखे हैं अगले घर में घुस के मार रहे हैं सुबह शाम आपको क्या वजूहात है मतलब जो कैलकुलेशन थी मोदी जी की गवर्नमेंट की वो बिल्कुल परफेक्ट उन्होंने की हुई सर इनकी तो समझ ही कुछ नहीं आती काकड़ साहब किस किस्म की स्टेटमेंट्स देते हैं काकड़ साहब ये क्या पीते हैं कहां से पकड़ के लाए हैं इंडिया इज गेटिंग सो मच इंपॉर्टेंट कि वो दूसरे मुल्कों के जो पॉलिटिक्स है ये उन मुल्कों के अंदर फॉर गुड और बैड वो पॉपुलर है इस वक्त देखें और कभी आपने देखा कि आपकी मस्जिदों में बैठ के जो स्पीकर के ऊपर तकरीरें कर रहे हैं वो हाई स्कूल भी नहीं है बिल्कुल चल वो चला एप्पल का आईफोन इस्तेमाल कर रहे होंगे मौलवी साहब लेकिन हर खुतबे में अमेरिका को गालियां इसराइल को गालियां भारत को गालियां और इन्हें पता कि इन गालियों से उनको उनकी सेहत पे कोई असर नहीं और आज इनको कोई मौलवी साहब को मस्जिद में आके कहना आपको अमेरिका वाले एम्बेसी वाले बुला रहे हैं तो उसी वक्त भाग जाए खुतबा दरमियान में छोड़ के हेलो फ्रेंड्स जय हिंद न्यूज फ्लैश सेंट्रल चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों भारत सरकार ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन के बयान को आर्टिकल 370 को लेकर पूरी तरह से खारिज कर दिया है ओवैसी ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चिंता जताई थी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा मानव अधिकार का बार बार उल्लंघन करने वाले और क्रॉस बॉर्डर को टेररिज्म को प्रमोट करने वाले के अनुसार उठाया गया ये कदम न सिर्फ सवालों के कटघरे में आता है बल्कि ऐसा बयानों के संगठन की विश्वसनीय को भी धक्का लगता है भारतीय विदेश मंत्री के प्रवक्ता ने बिना नाम लिए OIC और पाकिस्तान को भी धो डाला बागची ने कहा कि भारत ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन के सचिवालय के बयान को पूरी तरह से खारिज करता है भारत के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दिया गया यह बयान न सिर्फ गलत जानकारी पर आधारित है बल्कि गलत इरादे से भी दिया गया है अब पाकिस्तान भारत द्वारा सीरियस इस बयान को खारिज किए जाने पर सकते हैं तो आइए दोस्तों देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन वीडियो को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ने भारत को आंखें दिखाने की कोशिश की उस भारत को कि जो कि बढ़ता हुआ भारत है उदा हुआ भारत है और अग्रसर भारत है सुपर पावर बनने की तरफ बढ़ाता हुआ भारत है तो वो दिखा रहे हैं भारत को आंखें और वो भी मोदी के भारत को पलट कर जो जवाब दिया है वो जानने लायक है तो इसी मुद्दे पर हम इलैबोरेट करेंगे हरी मोहन वेरी वेलकम ऑन द शो क्या है मुद्दा और क्या करारा जवाब दिया है भारत ने जी सभी को नमस्कार मामला ये है मैडम कि इंडिया ने अभी क्या किया है सिचुएशन को 370 हमने 5 अगस्त 2019 को हटाया अब असलियत में ये मामला लेके जाया गया सुप्रीम कोर्ट में सोचकर देखिए हमारी कंट्री की डेमोक्रेसी हमारे का यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर के संसद ने जो डिसीजन ले लिया उसके ऊपर कोई भी आम बंदा उसको चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट लेके जाता है और सुप्रीम कोर्ट 5 benches मतलब 5 judges की बेंच बनाकर उसे सुनता है दिस इज अ ब्यूटी ऑफ आवर कंट्री ना सोचिए ये मतलब किस लेवल पर लेके गए और उसको जब सुनता है तो सुना डिसीजन लिया डिसीजन ये आया कि भाई असलियत में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि जो हमारी संसद ने डिसीजन लिया वो बिल्कुल ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है वो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी में बिल्कुल ठीक है तो हमें किसी तरीके की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है या प्रॉब्लम क्रिएट करने की जरूरत नहीं है ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था सीधा सीधा अब सोच कर देखिए मेरे कंट्री का पार्ट मेरे देश में लेटर ऑफ अनेक्सेशन साइन हुआ है मेरे देश के साथ मेरे देश की संसद ने डिसाइड किया है हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है ओआईसी कौन होता है असलियत में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन एक 57 कंट्रीज की वो ऑर्गेनाइजेशन जिसकी अगर आप जिसकी आप विकिपीडिया पे जाकर देखेंगे एक लाइन में उनकी औकात दिखा रहा है एक लाइन क्या है इस्लामिक कंट्रीज के मतलब जहां पूरी दुनिया में मुस्लिम्स के इंटरेस्ट्स को बचाने के लिए एफर्ट करने वाले हैं कैन यू इमेजिन ओनली फॉर मुस्लिम्स इसका दुनिया के दूसरे किसी रिलीजन से किसी तरीके से कोई मतलब नहीं है पाकिस्तान में बांग्लादेश में किसी भी दूसरे कंट्री में माइनॉरिटीज मर रहे हो इन्हें कोई दिक्कत नहीं है मरते रहो बस मुसलमान को कुछ नहीं होना चाहिए ये इस ऑर्गेनाइजेशन का बायस्ड माइंडसेट है और ये ब्लैकमेल किस नाम पे करते हैं क्योंकि 57 देश हैं 57 देशों में ज्यादातर
आप अगर उठाकर देखोगे तो ऑयल जो एक्सपोर्ट करने वाले हैं या ट्रेड रूट के ऊपर है। लेकिन दुनिया का सेकंड बिगेस्ट रिलीजन है, जो हालात हैं वो जरा उसके। आज मैं, मुझे सुबह बहुत दुख हुआ इस बात का कि जब हिरोशिमा के ऊपर जो बम मारा गया था वो 13,000 टन उस वक्त बम मारे गए थे हिरोशिमा के ऊपर। आज तक की डेट तक के 12,000 टन जो है वो बारूद जो है मारा जा चुका है गाजा के ऊपर, और एवरेज चल रही है 1500 से 2000 लोगों की डेली बेस पे मौत पे। और दुख वाली बात ये है कि कोई चीज, कोई रेजोल्यूशन, कोई किसी के माथे पे बल नहीं। बिजनेस इज एज यूजुअल चल रहा है, बिजनेस बिल्कुल एज यूजुअल। बिल्कुल, मुसलमान चाहे अपने मुल्कों में बैठे हैं तो उनके ऊपर उनके करप्ट जो उनके रूलर हैं वो उनको जलील कर रहे हैं, मार रहे हैं। जो बाहर बैठे हैं वो तो वैसे बेचारे सेकंड क्लास सिटीजन है, उनको कौन पूछता है। लेकिन सेकंड बिगेस्ट रिलीजन, कभी सोचा है कि क्यों दुनिया में जलीलो ख्वार हो रहा है? क्यों जलीलो ख्वार हो रहा है? मेरी नजर में सिर्फ एक ही वजह है उसकी, तालीम से दूरी है। आपने साइंस का बायकॉट कर रखा है आपने। आप चाहते हैं आज भी हम 7वीं सदी के इस्लाम के ऊपर चले जाएं, आज भी आप चाहते हैं खुलफाए राशिदीन के दौर में जाएं, आप चाहते हैं आज भी आप गधों के ऊपर फिरें। हाँ, लेकिन हर बंदे की शादी बीवियां 4-4 हों, 70-70 बच्चे हों, वो देख ले मिडल ईस्ट में, आप देख लेना सर। अभी तक यही पढ़ा रहे हैं, मैंने आज एक वीडियो लगाई भी है एक मौलाना की, कह रहे हैं कि जी दुनिया जो है वो किसी बैल के सींग के ऊपर रखी हुई है, इस किस्म की बातें कर रहे हैं। देखें, और कभी आपने देखा कि आपकी मस्जिदों में बैठ के जो स्पीकर के ऊपर तकरीरें कर रहे हैं वो हाई स्कूल भी नहीं है। बिल्कुल, चल वो चला एप्पल का आईफोन इस्तेमाल कर रहे होंगे मौलवी साहब, लेकिन हर खुतबे में अमरीका को गालियां, इसराइल को गालियां, भारत को गालियां, और इन्हें पता कि इन गालियों से उनको उनकी सेहत पे कोई असर नहीं। और आज इनको कोई मौलवी साहब को मस्जिद में आके कहना आपको अमेरिका वाले एम्बेसी वाले बुला रहे हैं तो उसी वक्त भाग जाए खुतबा दरमियान में छोड़ के। लेकिन उसमें आरजू, मैं अब इसका क्या बताऊं आपको, जो मैं गाजा की बात कर रहा था, लेकिन इससे बेहतर तो मैं समझ पाकिस्तान हमारे मुसलमानों से बेहतर अभी भी, हालांकि मुझे गिला था। आज सुबह यूनाइटेड नेशंस में वोटिंग हुई है, 153 कंट्रीज ने सीज फायर करने की के लिए वोटिंग की, इंक्लूडिंग इंडिया। भारत ने भी सपोर्ट किया है कि फलस्तीन के अंदर बॉम्बिंग बंद कर दी जाए। 10 ममालिक हैं जिन्होंने इसके हक में वोट दिया है, उसमें अमेरिका भी शामिल है। मुझे सुबह बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन उसके बाद यह पता चला है कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने इसराइल को कहा है कि जनवरी 1, 2024 हम अपनी सपोर्ट बंद कर